विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता, जिसके सोच और विचार को पूरा विश्व ने स्वीकारा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चोना मेन जी, अरुणाचल असेंबली के स्पीकर पीडी सोना जी, मेरे दोनों पार्लियामेंट मेंबर साथी नाबम रिबिया जी, तपिर गांव जी, और यहाँ के स्थानीय विधायक तना अली जी, अरुणाचल प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, दिल्ली से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी यहाँ मौजूद अधिकारी, जनप्रतिनिधि, हमारे प्रदेश के बुजुर्ग जिन्होंने कई सालों से इस प्रदेश का सेवा की है, और आज होलोंगी में आए हुए हजारों में इस इलाका के आसपास से जुड़े हुए और अरुणाचल प्रदेश के हर एक जिले में टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट से इस कार्यक्रम को जोड़ के देखने वाले सारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज इस होलोंगी के इस भूमि में ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, अरुणाचल प्रदेश को एक ऐसा तोहफा देने के लिए जो आए हैं, हमेशा हमेशा के लिए अरुणाचल प्रदेश का विकास का चित्र को बदल देने वाला इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। कई सालों से हम लोगों ने ये सपना देखा, हमारा तमन्ना थे ये कि हमारा भी राजधानी में एक एयरपोर्ट हो। हम विश्व में जाते हैं, देश के अलग अलग राजधानियों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, सब में एयरपोर्ट होते हैं और वहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब अपने ही प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आते हैं, अपने ही राजधानी पहुँचने के लिए हमको बाई रोड से, गाड़ी से 6-7 घंटे गुवाहाटी से अन्य जगहों से आने पड़ते थे, साथ साथ अगर हेलीकॉप्टर का सर्विस मिल जाए तो हेलीकॉप्टर से आते थे, और दूर से लोग अरुणाचल आना चाहते हैं, हमारे राजधानी ईटानगर पहुंचने चाहते हैं, पहुंचने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जर्नी के लिए रास्ता पूछते थे, गाड़ी हेलीकॉप्टर कैसे पहुंचे, ये सारे कठिनाई के साथ हमने इतने सालों तक गुजारे हैं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के पद पे जिम्मेदारी ली, उन्होंने पूछा कि अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर को सड़कों से, हाईवे से, रेलवे से, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जो कदम शुरू किया, उसके बाद पता चला कि हमारे ईटानगर के लिए एयरपोर्ट कई सालों पहले इसका प्लान था, इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन किसी ना किसी कारण वो प्रोजेक्ट रुक गया। उसका इतिहास में आज जाने का समय नहीं है, आज खुशी का समय है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस खुशी के पल में हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि कुछ भी हो जाए, अरुणाचल का राजधानी ईटानगर में एयरपोर्ट तुरंत बनना चाहिए, उन्होंने निर्देश दिया, इसके बाद केंद्र में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी,
सब ने मिल करके काम शुरू किया। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि विशेष परिस्थिति में ये दोनी पोलो एयरपोर्ट आज ये बनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल डायरेक्शन दिया, कुछ भी कठिनाई हो एयरपोर्ट बनने के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले ज़मीन मिलना मुश्किल था, फिर यह कंपेंसेशन का इशू था। देश में कहीं भी एयरपोर्ट बनते हैं उसका ज़मीन हर चीज़ का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है, कंपेंसेशन का कोई व्यवस्था नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष परिस्थिति बन गई थी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कार्यालय के अधिकारियों को बोलकर कुछ भी करो आगे बढ़ना है तो ये कंपेंसेशन जो अमाउंट पैसा दिया है वो तक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है, तब जा करके आज ये एयरपोर्ट हमारे सामने में बन के आज खड़े हो गए हैं। इसका उद्घाटन के लिए आए हैं, साथ साथ कामेंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट 1977 में जिसका कंसेप्ट बना, मेरे गांव के बगल में 77-78 से रोड बनना शुरू हुआ लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। चलते 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 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से डायरेक्शन दिया, सारा प्रोजेक्ट टाइम में ख़त्म होना चाहिए। और जो टेक्निकल कठिनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने में होती है, और ख़ास करके जो कामेंग हाइडल है इसको टनल बनते समय जो टूटना गिरना वहाँ फ्लडिंग होना, ये सब होते होते आज कामेंग हाइडल का भी देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज आए हैं। मैं पूरे अरुणाचल के जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद।